मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट का जितना अमुनेशन और जितना आर्म्स अमुनेशन जो है उसी पे तो यह कोकी कोकी ऊपर क्योंकि ऊपर हमला कर रही है तो इट स्टार्टेड बर्निंग इन चोरजानपुर दैट द मेटे हाउस मेटे कम्युनिटी हाउ दे स्टार्टेड बर्निंग देयर कुकी और मैथीस के बीच इस एथनिक वायलेंस को चलते हुए अब दो महीने से ज़्यादा हो चुका है कुकी और मैथी सेटलमेंट्स वाले तलहटी के इलाकों को बफर जोन्स में बदल दिया गया है जहाँ सेंट्रल फोर्सेस की भारी तैनाती है मगर इस सब के बाद भी हमें रोज़ कैजुअलिटीज़ और डेथ्स की खबरें मिल रही हैं कई लोगों का मानना है कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है और दूसरी तरफ मणिपुर के सी एम एन बीरेन सिंह का कहना है कि ये एक प्री प्लान वायलेंस है जिसमें विदेशी हाथ होने की उन्हें आशंका है क्लिक की टीम मणिपुर के उन वायलेंस इफेक्टेड एरियाज में गई हमने बड़े एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स से भी बात की और इस जलते मणिपुर की स्थिति जानने की कोशिश की आज एन सी के इस एपिसोड में बात करेंगे मणिपुर की ग्यारह महीने से जारी किसान आंदोलन की, 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 की राजनीति में सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है मणिपुर की 53 परसेंट पॉपुलेशन मैथी है जो इम्फाल के घाटी इलाके में रहती है जबकि नागा और कुकी ट्राइबल कम्युनिटी 40 फीसदी है और ये पर्वतीय इलाकों में रहते हैं मैथी कम्युनिटी खुद को शेड्यूल ट्राइब्स की सूची में शामिल करने की मांग करती रही है ताकि ज़मीन खरीदने के साथ उन्हें जनजातियों को मिलने वाली दूसरी सुविधाएँ भी मिल सकें हिंसा की शुरुआत मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश से हुई जिसमें कोर्ट ने राज्य में ज़्यादा आबादी वाले मैथी इसको एस का दर्जा देने के प्रपोजल पर विचार करने को कहा कुछ जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ दशकों से मणिपुर में आरएसएस से जुड़े हिंदुत्ववादी संगठनों ने मैती आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक हिंदुत्व से जोड़ने और चर्च विरोधी गतिविधियां भी चलाई हैं इसीलिए हाँ कोर्ट के आदेश को इन्हीं कोशिशों का विस्तार मानते हुए कुकी कम्युनिटी ने उसका विरोध किया और आदिवासी एकजुटता मोर्चा की एक रैली निकाली मई को निकाली गई इस रैली से ही टकराव शुरू हुआ जो वायलेंट क्लैशेस में बदल गया न्यूज की टीम ने मणिपुर और उसके बॉर्डर से लगे कई इलाकों में जाकर लोगों से बात भी की। फेसबुक आफ्टर we we, we <coughs> that, that uh, <coughs> will एट to say. we will we'll just calm down that 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 incident but but unfortunately it's it burst to it started burning in jorangpur that the matey house matey community how they started burning there from there we used to hide we used to run at around 5:30 uh, to 6 we ran, <coughs> we had uh, near the near the mountain near that we are villagers our villagers we went to near the mountain and we hide, we hide there for some time from that gate from that house gate i got shot then just after i was falling down there i still know everything and then still conscious yeah still conscious but i feel that pain so I don't want to open up and see the wound, so I was just checking my pants there and then I saw a hole, a bullet hole, so I was, I saw, so I can't move, so I just, uh, I was just laying down, and then the kid near me <coughs> was shot dead at the, uh, at the spot, around his heart. Place and then the bullet came out to the back side. the, the bullet penetrated. Yeah. then what, what was the name of this kid, do you know? yeah. Lun. And how old uh, would he be? around 17. he just finished his 10 and waiting for the board exam results. Mm. Uh, the uh, situation uh, happened at around 6.30 to 7. Mm -hmm. on the 3rd of May, May. So we were <coughs> defending at the gap, at our main locality gap. So <coughs> they came in at around 200 to 300. So they tried to <coughs> push, us, push us in, push the gap, mm. but they couldn't. And we pelted stone each other and they went back. Mm. Uh, at that time before they went back, uh, one military gypsy came in to help us so they uh, fired some shots in the air mm. and then they went back mm. so the, the whole night we were guarding our locality mm. and this is my uh, nephew mm. uh, my elder sister's son okay. so they were at the back side of the locality mm. uh, some all the youths from our locality and then some <coughs> elders and us we were all guarding the locality the whole night. Mm -hmm. So in the morning we had some breakfast and then we shifted to the post where we were given or where we were assigned. Mm -hmm. So my nephew and his friends and the mm -hmm. other kids around mid uh, 17 to 20s of ages, mm -hmm. they were at the front gate mm -hmm. of the main gate. Mm -hmm. So we <coughs> the children and then women, elders, सर हमारा गाँव से हम लोग जो जो लेडीज और जो बच्चे लोग जो गाँव दो तीन किलोमीटर दूरी पे हम लोग जो जहाँ पे छुपाए थे सर हम हम लोग थोड़े देर में हम लोग हमारा गाँव को पूरा जलाने के बाद जो वॉलेंटियर लोग हैं गाँव तो जर गया है हम हमारा क्या उपाय है अभी जो जो बार बच्चे हैं उनको किसी भी हालत पे सुरक्षा जगह पे पहुंचाना है करके हम लोग एक मीटिंग किया मीटिंग करने के बाद हम लोग वही जहाँ बाढ़ बच्चे लोग जो लेडीज और बच्चे लोग यहाँ आए हम लोग वहाँ पे आया और वहाँ से हम लोग कम से कम सर एकदम पहाड़ी एकदम जंगल झली जा, इलाका है सर वहाँ हम, वो हमारा साइड में जो जंगल है वहाँ वहाँ पे जो सर कहीं लेडीस प्रेगनेंट भी है और कहीं बूढ़े बुरे लोग भी हैं और कहीं बच्चे ए, ए, एक हफ्ते की एक महीने के जो बच्चे जो डिलीवरी हुआ है ऐसे ऐसे लोग भी थे वहाँ पे हम लोग आ, कम से कम दो दिन आ, दो दिन और तीन रात वो लगा कर जंगल पार किए सर कम से कम सर आ, ऐसे अनुमान में ऐसे बता दिया जाए तो कम से कम पचास सात किलोमीटर हम लोग पैदल पैदल आकर के वहाँ पे एक तंखूर तंखुर खून एक इथम खुलन करके एक गांव मिले सर वो जंगल जंगल आने के बाद उसमें हम लोग कोई खाना भी नहीं खाए कोई कपड़े पहनने के लिए जो किसी का चेपर फटा हुआ है किसी का जूटा फटा हुआ है किसी भी जो जो बूढ़ा और बूढ़ी लोग हैं वो जो चल नहीं पाए है जो जंग छोकर लोग हैं उन्होंने किसी भी हालत पर उठा करके जो इथम खुलेन करके एक तंगफुर का गांव है वहाँ पे किसी भी हालत पे हम लोग पहुँचे दो दिन और तीन रात के बाद वहाँ से हम लोग इधर का हमारे जो सोशल वर्कर लोग जो हमारे लीडर लोग हैं उनसे फ़ोन में संपर्क करके वहाँ से गाड़ी भेजा गया है वहाँ से यहाँ हम लोग को पहुँचाया गया है मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट का जितना अमुनीशन और जितना आर्म्स अमोनीशन जो है उसी पे तो कोकी कोकी ऊपर कोके ऊपर हमला कर रही हैं तो उसके ऊपर आज तक कोई सोशल मीडिया में कोई कुछ बोला है सर सरकार सरकारी अमिनेशन और सरकारी हथियार से ही सिविलियन को मारा जा रहा है सर और जो कोकी गांव को जलाया जलाया जा रहा है उसके ऊपर कोई आज तक एक्शन हुआ है और कोई आज तक कोई मुँह खोला है सर और मानता हूँ जो वॉलंटियर के बीच में कोई ऑटोमेटिक राइफल का आवास आया तो बोलते क्योंकि मिलिटेंट है ये तो फिर जो जो सरकारी हथियार और सरकारी अमोनीशन से जो फायर कर रहा है जो पब्लिक को मारा जा रहा है वो उसको वो मिलिटेंट कहेंगे या क्या क्या कहेंगे सर उसको सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मणिपुर की फोटोज़ और वीडियोस धरा देने वाली हैं मणिपुर से करीब पैंसठ किलोमीटर दूर चूरा चांदपुर में सबसे ज़्यादा वायलेंस जान माल और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान देखने को मिला है मणिपुर में दंगों की उग्रता इस बात से समझ में आती है जब हमें पता चलता है कि अब तक लगातार दो महीने तक चले वॉयलेंस की वजह से साठ हज़ार फैमिलीज डिस्प्लेस हो चुकी हैं इस के को रोकने के लिए चालीस हज़ार सुरक्षा बल डिप्लॉय किया गया है लोकल्स अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं इंटरनेट शटडाउन डेली करफ्यूज़ आगजनी और हिंसा के चलते रोज हो रही डेथ्स इस सिचुएशन को और टेंस बना रही हैं मणिपुर में हिंसा की शुरुआत से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी रैलियां की चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने धार्मिक पर्यटन भी किया विदेश यात्रा के दौरान बगैर किसी सरकारी प्रयोजन के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां भी भारतीयों की रैली को संबोधित किया वहाँ से लौट कुछ दिन देश में बिताने के बाद अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा भी उन्होंने कर ली इन विदेश यात्राओं से निपट मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने भी पहुँच गए लेकिन इस सब के दौरान ना तो वे मणिपुर जाने का वक्त निकाल पाए और ना ही उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर कोई बयान दिया दिल्ली के प्रेस क्लब में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एन की एक तीन सदस्य फैक्ट फाइंडिंग टीम मणिपुर से लौटी है इस टीम में एन की जनरल सेक्रेटरी एनी राजा नेशनल सेक्रेटरी निशा सिद्धू और एक स्वतंत्र वकील दिशा द्विवेदी भी शामिल थी 28 जून से 1 जुलाई तक मणिपुर दौरे के दौरान ये टीम चूरा चांदपुर और विष्णुपुर के अधिकारियों से मिली छह रिलीफ कैंपों का दौरा कर हिंसा प्रभावित लोगों से बातचीत की साथ ही महिलाओं के संगठन मीरा पेबीस से भी मिले एनएफआईड की जनरल सेक्रेटरी एनी राजा खुलकर बोलती हैं कि यह एक राज्य प्रायोजित हिंसा है यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है वे बताती हैं कि तीन मई की घटना अचानक ही नहीं हुई थी बल्कि इसके पीछे भी कुछ घटनाएं हो रही थी जो साफ साफ संदेश दे रही थी कि राज्य में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है लेकिन उन घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया सरकार के द्वारा न्यू चेकऑन में तीन चर्चों को यह कहते हुए तोड़ दिया गया था कि वे अतिक्रमण कर बनाए गए थे कांगपोप की और टेंगोपाल इलाके में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम पर कुकी लोगों के घर हटाए गए फिर मैत्री लोगों को एस दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया और फिर तीन मई को चुराचांदपुर में निकाली गई शांति रैली के बाद हिंसा भड़क गई मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया और मैथी कम्युनिटी की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के संबंध में मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया न्यूज क्लिक ने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर कॉलिन गोंजालविस से बात की कॉलिन हाईकोर्ट के समक्ष मामले पर आर्ग्यू कर रहे हैं और कानूनी दृष्टिकोण से मामले को देख रहे हैं कॉलिन गोंजालविस का कहना है कि अमित शाह द्वारा हाईकोर्ट को सीधा ब्लेम करना गलत है

Uh, because in those areas where the kuki are in a larger section of the population, uh, methi houses and methi shops and, and, and such were targeted. and then uh, on the other side, are these organizations that you, you are referring to that unleashed large-scale violence in the imphal valley, which is the biggest population center in the state by far. So, how do you view the balance between this, these two completely differing uh, narratives? Yeah, well, that's, what, uh, that's, that's where people like you come in, News Click come in, you know, because you have to really separate the rubbish from the truth. And this is, a, this is an area where politics plays a very big role. And the party at the center and the party in power in Manipur have started a narrative of falsehood of lies open lies and it is important for journalists not to go by the surface story and to dig in deep and get the truth as a lawyer we try to collect the evidence and we put it in into our documents in court but i think you have a very important role to play here if you look at the deaths let's look at first of all who's the victim Who's the assailant, right? And according to us, and again we could be wrong, the number of cookies killed are touching approximately hundred. Confirm numbers. Yeah, and when I say this, it means we've gone back to the village, we've talked to the cookie friends. They have the name of the person, which we have the name, the place where the, the killings took place. So hundred, right? And I think we'd be by and large absolutely correct. I try to get the Maitai deaths, but we are not able to get. But my enlightened guesswork is it will be perhaps about 25. Mm. 25 Maitai deaths. Mm. Now, this has to be taken with another figure, which is how many of them are civilian deaths of Maitais, and how many are the militarized organizations, communal, both communal and heavily armed groups. कैरिंग एंड माई रफली हाफ हाफ सोटी फॉर दूकिस और न्यूज क्लिक की बातचीत को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं मणिपुर में हालात नाजुक हैं इन्हें बेहतर करने के लिए राज्य और खासकर केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज को हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक बायो में है